देखिए दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे RPP ग्रुप टेक चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं कि यदि कोई आपके पास मोबाइल फ़ोन डेड आता है तो आपको जो किस तरीके से पहचानना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको पूरा कम्प्लीट ही बताएंगे। यदि कोई डेड फ़ोन आपके पास में आता है तो आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, ठीक है ना। देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में एक मोबाइल फ़ोन है जो ये हमारा सैमसंग कंपनी का है, ठीक है ना, सैमसंग का है। इसमें जो है डेड प्रॉब्लम में है, ये ऑन नहीं हो रहा। अब ऑन कहाँ से नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल से जानकारी दी जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में ये सैमसंग कंपनी का फ़ोन जो है, देखिए इसकी कुछ हालत भी थोड़ी ख़राब हो रही है, लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। अभी ऑन होगा या नहीं होगा, आपको करना क्या है सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमको सबसे पहले करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखिए, हमारी इसमें बैटरी लगी हुई है, बैटरी लगने के बाद में आपको ऑन ऑफ बटन जो है ये प्रेस करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें बैटरी लगी हुई है, इसका ऑन ऑफ बटन ये है, इस ऑन ऑफ बटन को आपको प्रेस करना है और देखना है ऑन होता है नहीं होता। देखिए, इसका ऑन ऑफ बटन जो हमने प्रेस किया और इसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है ना, ये ऑन नहीं हुआ। हो सकता है इसकी बैटरी डीप में चली गई हो सकता है बैटरी इसकी ख़राब हो, ठीक है ना। आपको बैटरी चेक करने से पहले आपको ऑन ऑफ बटन को जो है प्रेस करना है, ठीक है ना। बैटरी से ऑन नहीं हो रहा, अब करना क्या है आपको, आपका इसमें दूसरा स्टेप रहेगा कि जो हमारी बैटरी है, इस बैटरी को आप चेक करना है मल्टीमीटर से कि बैटरी जो हमारी कितनी चार्ज है। हमारी मोबाइल फ़ोन की बैटरी 3.89 से लेकर 4.12 तक चार्ज होगी, कम से कम 3.9 या 8 जब भी हमारा मोबाइल फ़ोन जो ऑन होगा, ठीक है। आप इसके अंदर देख सकते हैं, बैटरी के अंदर देखिए, मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा कि नॉर्मल वोल्टेज जो है इनके, आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, इसके नॉर्मल वोल्टेज जो है 3.8 है। यदि इस बैटरी के अंदर 3.8 वोल्ट है तो हमारे मोबाइल फ़ोन को ऑन कर देगी, ठीक है ना। इसके अंदर इतना वोल्टेज नहीं है तो हमारा मोबाइल फ़ोन जो ऑन नहीं हो। अब इसके हम वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो है आपको एक मल्टीमीटर चाहिए। देखिए, हमारे पास में मल्टीमीटर है, इस मल्टीमीटर को DC 20 वोल्टेज पर लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद में ये मैंने लगा दिया, लगाने के बाद में हमको जो इसकी बैटरी चेक करनी है कि हमारी बैटरी जो कितनी चार्ज है, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपको मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर LED LCD RO CCTV जो भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको चिप लेवल रिपेयरिंग सिखाई जाएगी, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसका बैटरी का जो एक माइनस पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो है आपको मल्टीमीटर को DC 20 की रेंज पर लगाने के बाद एक इसका प्रोब आपको माइनस पर लगाना है और एक प्लस पे, ठीक है। देखिए, लगा दिया, आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं कि 3.6 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है, 3.6। तो हमारे मोबाइल फ़ोन जो है इतने वोल्टेज पर ऑन नहीं होगा, क्योंकि इस बैटरी पे 3.8 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए, 3.8 लिख रहा है, ठीक है, 3.8 लिख रहा है ना, इस वजह से ऑन नहीं हो रहा। इतने वोल्ट इसके अंदर होंगे तो ऑन होगा। अब इस बैटरी को हम बैटरी बूस्टर से बूस्ट करेंगे और इसमें झटका दे के देखेंगे मोबाइल फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए हमें जो बैटरी बूस्टर की आवश्यकता पड़ेगी, तो देखिए हमारे पास में बैटरी बूस्टर है, इस बैटरी बूस्टर को हमें जो ऑन करना है, ठीक है, पावर केबल लगा दिया, ऑन कर दिया, ये हमारा ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद में इसको जो आपको सेट करना है 9 वोल्टेज पर करने के बाद में इस मल्टी इसका जो है प्लस पॉइंट प्लस पर लगाना है, माइनस वाला माइनस पर, ठीक है। इसको मैं लगाता हूँ और आप देख सकते हैं, देखिए माइनस वाला माइनस पर लगा दिया और प्लस वाला प्लस पर, ठीक है। देखिए देखिए, आप हमारे बैटरी बूस्टर की जो है जो रेड लाइट जल रही है, आप उस पर ध्यान दें। देखिए, प्लस पर लगाने के बाद में देखिए कम होती है, कम होने का मतलब है ये बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, ठीक है। देखिए, इसको हम चार्ज करते हैं, ये थोड़ी देर लगा के रखनी है जब तक हमारा 3.8 या 3.9 वोल्टेज नहीं हो जाए जब तक, ठीक है। वीडियो को थोड़ा हम रोक देते हैं इसलिए क्योंकि
बैटरी थोड़ी देर में बूस्ट होती है और हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम वीडियो को रोक देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बैटरी को जो हमने थोड़ा सा बूस्ट कर लिया है और बाकी की इसको हम बूस्ट पर लगा के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। और देखिए हमारे पास में डीसी मशीन है, इस डीसी मशीन के द्वारा इस फ़ोन को हम चेक करते हैं कि हमारा जो फ़ोन जो है क्या रिजल्ट देगा, ठीक है। और देखिए डीसी मशीन मैंने लगा दी है और डीसी मशीन लगाने के बाद में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें जो है किस तरीके से क्या करना है, ठीक है ना। इसको हम नीचे रख लेते हैं अपने पास, ठीक है। ये डीसी मशीन है हमारी, ये हमने लगा दी है इसमें। और आपको जो अब करना क्या है, अगला स्टेप जो है हमारा, देखिए हमारा फ़ोन पहले से ये खुला हुआ है, टूटा हुआ है, ठीक है ना। इसको चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको देखिए पीछे का जो इसका बैक कवर है ना, इसको हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमने निकाल दिया। निकालने के बाद में इसमें जो है आपको बैटरी के कनेक्टर पे डीसी मशीन का, बैटरी कनेक्टर पे डीसी मशीन का प्लस वाला लगाना है और नेगेटिव वाला कहीं भी आपको ग्राउंड कर देना है, ठीक है। इसको मैं लगाता हूँ इसमें, देखिए प्लस वाला पॉइंट मैं इस पर लगाता हूँ बैटरी के प्लस पे। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमने डीसी मशीन लगा दी, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें तो हमने जम्पर लगाए हैं क्योंकि इसकी पिनों पे जो है ये चिमटियाँ नहीं रुक रही थी, इस वजह से जो हमने इसमें दो जम्पर लगा दी हैं, आप देख सकते हैं इसमें। देखिए आपको नज़दीकी से दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें जो हमने दो जम्पर लगाए, एक बी बैट पर लगा दिया, एक ग्राउंड कहीं भी कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। डीसी मशीन हमारी ये रही, ठीक है। अब आपको करना क्या है इसके बाद में जो है, तो इसके बाद में जो है देखिए हमारा ऑन ऑफ बटन है, उसको जो हमने प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। प्रेस करने के बाद हमारा जो डीसी मशीन पर कुछ भी एम्पियर नहीं आ रहा, ठीक है। बी बैट की पूरी सप्लाई जा रही है इसके अंदर, आप देख सकते हैं। बैटरी को जो हम अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, ठीक है ना, बूस्ट होने के बाद। इसमें जो देखिए डीसी मशीन पर देख सकते हैं आप, इसमें कुछ एम्पियर हमारा नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें कोई एम्पियर नहीं आ रहा, आप देखिए, आप मोबाइल का ऑन ऑफ बटन जो हम इसको हमने जो प्रेस किया, कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मल्टीमीटर डीसी 20 वोल्टेज पर लगाने के बाद, ठीक है, ये हमारा मीटर है, इसको डीसी 20 वोल्टेज पर लगा दिया। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो है इधर से एक पत्ता था ऑन ऑफ का, ठीक है, एक जम्पर लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब करना क्या है आपको इसके बाद में, ऑन ऑफ के वोल्टेज चेक करने, डीसी पावर सप्लाई से आ रही है हमारी, और आपको मल्टीमीटर के डिस्प्ले पर जो है ऑन ऑफ वोल्टेज चेक करने कितने हमें मिल रहे हैं, ठीक है। एक पिन आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं, ये मैं देखिए कहीं भी ग्राउंड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा करने के बाद में आपको जो है ऑन ऑफ पे वोल्टेज चेक करने मीटर पे कि कितने आ रहे हैं हमारे। देखिए इस पर कुछ नहीं है, देखिए आप इस पर देख सकते हैं 4.1 के करीब हमारे वोल्टेज जो इस पर मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे वोल्टेज इस पर आ रहे हैं। अब हमको करना क्या है, इस प्लस वाले पॉइंट को ग्राउंड से शॉर्ट करके देखना है कि हमारा फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा। यदि ऑन होता है तो इसका ऑन ऑफ का बटन जो है वो हमें सही करना होगा, ठीक है। देखिए इसका जो ऑन ऑफ बटन को मैं शॉर्ट करूंगा, आप डीसी मशीन में भी देख सकते हैं, इधर से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ इसे, ठीक है। एक चिमटी से प्लस वाले पॉइंट को ग्राउंड कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये मैंने ग्राउंड कर दिया है, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो ऑन हो चुका है, आपको इसे देखना है। देखिए इसमें 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर के आसपास ले लिया डीसी मशीन ने, और इसको जो आप देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो है ऑन है, ठीक है ना। हमारा मोबाइल फ़ोन जो है बिल्कुल ऑन है, और इसको जो है आपको अब ऑन ऑफ का जो प्रॉब्लम है बटन का, वो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम बोर्ड से नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है इस के जो ऑन ऑफ का जो पत्ता है ना, इस वाले से ये पत्ता जो है इसका स्विच वो ख़राब हो चुका है। इसको जो आप जम्पर के द्वारा इसको ठीक करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप मेरे यूट्यूब फ्रेंड बनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब इसमें ऑन ऑफ पे जम्पर लगाते हैं, ठीक है ना। पहले इसकी डीसी की पावर सप्लाई को हटा देते हैं यहाँ से।
ये डीसी पावर सप्लाई जो मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। हटाने के बाद में आपको जो है इसका ऑन ऑफ के बटन की जम्पर लगाते हैं। मैं वीडियो को पुश कर देता हूँ और जम्पर लगा के आपको फिर से वापस वीडियो में दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी देर के लिए मैंने पॉज कर दिया था क्योंकि इसमें मैंने जम्पर लगाए थे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो मैंने इसमें जम्पर लगाए, आप देखिए इसका ऑन ऑफ बटन है, ये पूरा ख़राब हो चुका था इसका। इसके ऊपर की जो सफ़ेद वाली होती है ना, आप देख सकते हैं ये टिकली जो है, इसको मैंने छुड़ाने के बाद और इसको खोलने के बाद मैं इसके अंदर से जम्पर निकाले आप, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर से, देखिए इसमें जो मैंने अंदर से जम्पर निकाले हैं दोनों, ठीक है, ऑन ऑफ के। जहाँ से जम्पर निकालने के बाद में इसका ऑन ऑफ का जो कनेक्टर है, ठीक है, इस पर मैंने दोनों जम्पर लगा दिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ये बटन काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसका जो है डीसी मशीन से इसको देखिए मैंने कनेक्ट कर रखा है प्लस पॉइंट, आप देख सकते हैं प्लस वाला। ग्राउंड वाली मशीन से जो है मैं कहीं भी इसे लगा सकता हूँ, ठीक है। ग्राउंड आपको कहीं भी कनेक्ट कर देना है। ये देखिए ग्राउंड मैंने लगा दिया है, प्लस भी लगा रखा है, ठीक है ना। डीसी मशीन आप देख सकते हैं हमारे सामने है रखी हुई। अब आपको करना क्या है, अब हमको जो है इसमें जो हमने बटन बनाया है इसका, आप इधर देख सकते हैं बटन जो बनाया है, इस बटन को प्रेस करना है। देखिए इसको जो मैं एक बार हल्का सा प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब इसको देखिए प्रेस कर रहा हूँ मैं, करने के बाद में आप डीसी मशीन पर देखेंगे। देखिए मेरी उंगली इधर है, इसको मैं प्रेस करूँगा और डीसी मशीन पर आपको देखना है। देखिए ये एम्पियर ले रहा है और देखिए हमारा मोबाइल फ़ोन जो ऑन हो चुका है। इस तरीके से कोई डेड फोन आता है तो आप इस कंडीशन में उसको पहचान सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन जो आप डीसी मशीन में देख सकते हैं, देखिए एम्पियर जो हमारी मशीन ले रही है और आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। हमारा मोबाइल फ़ोन जो ऑन हो चुका है, इसमें जो प्रॉब्लम थी ऑन ऑफ का बटन जो है टूटा हुआ था, उसको जो हमने जम्पर लगा दिए हैं, जो इसका ऑन ऑफ का पत्ता था ना सॉकेट, उसको खोलने के बाद किस तरीके से खोला था वो मैंने आपको अभी दिखा दिया। दोनों पॉइंट जो उसके खोलने हैं, खोलने के बाद में आपको जो है करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं देखिए डीसी मशीन में अभी हमारा एम्पियर चल रहा है और हमारी मोबाइल की डिस्प्ले पर लोगो आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से यदि कोई डेड फोन आता है तो आप जो है उसको स्टेप बाय स्टेप करनी है और हमारी बैटरी जो बूस्ट हो रही है वो देखनी है। इतनी देर में हमारी बैटरी जो कितनी बूस्ट हुई है, इसको हम अभी जो हम बैटरी से ऑन करके देखेंगे। अभी जो हमने ऑन किया है जो है डीसी पावर सप्लाई से ऑन किया है, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। देखिए दोस्तों हमारा मोबाइल फ़ोन जो ऑन है, आप देख सकते हैं इसमें, और इसकी देखिए हम ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसकी टच भी हमारी काम कर रही है, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। हमारा फ़ोन जो है ऑन है, जो इसमें प्रॉब्लम थी ऑन ऑफ बटन की थी और हमारी बैटरी जो है कम बूस्ट थी, एक ये प्रॉब्लम थी। अब इसके हम जो बैटरी देखते हैं कितनी चार्ज हुई है हमारी, ठीक है ना। देखिए हमारी जो बैटरी हमने बूस्ट की है इतनी देर से, अब देखते हैं बैटरी हमारी कितनी बूस्ट हुई है। इतनी देर में हमारी बैटरी जो फुल बूस्ट हो जानी चाहिए थी। देखिए नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्टेज पर लगाना, ठीक है, 3.7, ठीक है ना। इतने पे हमारा मोबाइल फ़ोन जो ऑन नहीं होगा, आप देख सकते हैं 3.8। इतनी देर में 3.8 बैटरी हमारी नहीं हुई है स्टोर, इसके अंदर बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इस बैटरी के अंदर दिक्कत है। अब इसको एक बार लगा के देखते हैं ऑन होता है बैटरी से या नहीं होता, ठीक है। वैसे बैटरी के अंदर प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्योंकि इतनी पे हमारा फ़ोन जो ऑन नहीं होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल फ़ोन जो बैटरी से ऑन नहीं हो रहा, सिर्फ डीसी मशीन से ऑन हो रहा था, ठीक है ना, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो इस तरीके से कोई डेड फोन आता है तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से ही चेक करना है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो यहीं तक था हमारा दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।